राम मंदिर 1000 साल रहेगी उम्र। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत में हल्के सुधार के संकेत। भारत चीन सीमा मामलों पर WMCC की बैठक आज। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर बना मध्य प्रदेश का इंदौर। सुशांत केस में संजय राउत का शारण अंदाज में निशाना, बोले किस्मत पर इतना नाज ना करें। बंगाल में कोरोना के नाम पर चिकित्सा आपूर्ति घोटाला, जांच समिति गठित। 2 लाख लोगों ने लिया ई संजीवनी से टेली परामर्श। कर्नाटक में नकली बम कॉल करने पर पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार, मामला दर्ज। कांग्रेस नेता का दावा, मनमोहन ने दिया था अपनी जगह राहुल को पीएम बनाने का प्रस्ताव। कैलिफोर्निया व महाराष्ट्र दुनिया के 2 राज्य जहां 6 लाख से अधिक मरीज। राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस ने अपने कार्यकाल की तुलना राम राज्य से की। WHO ने हार्ड इम्यूनिटी को लेकर किया बड़ा बयान, कहा वैक्सीन ही है उम्मीद। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 69,652 नए केस, 977 लोगों की मौत। दिल्ली में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, लोगों की परेशानी बढ़ी। नेपाल में भारी बारिश, 6 लोगों की मौत, 17 लोग लापता। लीबिया में प्रवासियों से भरी नौका समुद्र में डूबी, 45 लोगों की मौत। दिल्ली से मधुबनी जा रही बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर पलटी, 30 लोग जख्मी। आगरा बस हाईजैकिंग मामले में मुख्य आरोपी प्रदीप गुप्ता हुए गिरफ्तार। उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,896 नए मामले, 8 लोगों की मौत। दिल्ली में सीरो सर्वे से खुलासा, COVID-19 के प्रभाव में आई 29% आबादी। राजस्थान में कोरोना के 690 नए मामले, कुल मरीजों की संख्या 65,979। यूपी विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन,